Jala from Mahasapura School. Today, in this video, I will continue subject economics of standard 11. Dear students, हमने economics के अंदर chapter number 1 to 5 complete किए. 6th chapter हम जो है 7th chapter के बाद करेंगे. So आज हम शुरुआत करेंगे chapter number 7 से. जो हमारा 6th number का जो chapter है market. उसको हम इस 7th नंबर के चैप्टर के बाद लेने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बाद. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 इंडियन इकोनॉमी. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोगों ने एसएसबी पढ़ा हुआ है. एसएस के अंदर बहुत कुछ जो है हिस्ट्री के अंदर बताया गया. थोड़ा सा इसमें हमें हिस्ट्री भी सीखना है. पहले के टाइम में बिफोर इंडिपेंडेंट बहुत कुछ जो था हमारे कंट्री के अंदर जो था अवेलेबल था. जैसे ही ब्रिटिशर्स आए हमारी कंट्री के अंदर सब कुछ लूट के चले गए. तो इनसाइड इंडिया प्राचीन भारत हमारा कैसा था, इनसाइड इंडिया में क्या क्या था और क्या क्या नहीं था, पेज नंबर 77 पर दिया गया है. द इंडियन कल्टिवेशन विच इज नोन एज इमर्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द आर्यन ट्राइब एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन and which is also known the Harappa civilization is identified as an ancient age and the remain of the civilization were first found at the Harappa and Mohenjo-daro in Gujarat. We see the remain at the Lothal and Dholavira. India ke andar total two Mahan Sanskruti, Sindhuki Sanskruti and Arya Sanskruti jo hai wo included hai. सिंधुकी एंड आर्य संस्कृति इसमें से इंडिया जो है सबसे जो है फेमस जो था संस्कृति के अंदर. कंट्रीज में हड़प्पा एंड मोहेंजोदड़ो के नेम पर से संस्कृति जो है वो फेमस होती है एंड साबित होती है. द सिविलाइजेशन गिव एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेरेटरी अर्बन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. इंडिया वॉज अ नोन फॉर द क्लोथ म्यूस्लिन ज्यूट इंडिगो फ्रॉम अ प्री ब्रिटिश टाइम. इंडिया जो है इकोनॉमिकली जो है एकदम प्रॉस्पेरेटरी है, सबको जो है नजर लग जाए इस तरीके का हमारा देश है. इंडिया पहले से ही प्रॉस्पेरेटरी है यानी कि इन सभी प्रोडक्ट के अंदर क्लॉथ म्यूस्लिन ज्यूट इंडिगो फ्रॉम ब्रिटिश टाइम इसका प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बहुत ही कुछ होता है और बहुत सारी जगह पर इंडिया जो है फेमस भी है. जैसे कि अभी तक ब्रिटिश इन्वेशन इंडिया गॉट अ टी प्लांटेशन एंड इवन टुडे इंडिया इज नोन फॉर हर टी एक्सपोर्ट. आज के टाइम में इंडिया में भी टी एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होता है. अब देखते हैं सबसे पहले तो इनसाइड इंडिया में क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है. इनसाइड इंडिया वॉज अ प्री डोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर नेशन. इंडिया जो है एग्रीकल्चर डोमिनेंट जो है प्रीडोमिनेंट नेशन है. ज्यादातर पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं. द इकोनॉमी वॉज अ मेनली रूरल इकोनॉमी. हेंस सम बेसिक इंडस्ट्रीज आल्सो एग्जिस्ट एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर वेयर बोथ आर प्रॉस्पेरिटी. उस तरीके से थोड़ी सी इंडस्ट्रीज तो आई बेसिक इंडस्ट्रीज, उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी कंट्री बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रही है. नेक्स्ट ईयर सेकंड एग्रीकल्चर. इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज अ प्रॉस्परस एंड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप वेयर ग्रोन. इंडिया में बहुत कुछ जो है अवेलेबल है, प्रॉस्पेरेटरी नेशन है. जैसे कि ग्रेन्स वेजिटेबल्स फ्रूट्स क्लॉथ्स शूज ये सब कुछ इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा अवेलेबल है. तो इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है. थर्ड वन इज इंडस्ट्रीज. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन राज चौधरी प्रायर द 19th सेंचुरी इंडिया वॉज अ प्री प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ द सम आइटम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया जो है कुछ आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में बहुत ही ज्यादा आगे है. इंडिया वॉज अ नॉन फॉर अ कॉटन जूट म्यूस्लिन वूल आइडोल्स मैकिंग इंडिगो टेरोकोटा एंड अर्थवेयर अर्थनवेयर. सम ऑफ दिस गुड्स वेर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. ये जितने भी गुड्स है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं यानी कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा इसका स्टॉक अवेलेबल है.
उसके बाद दिया गया है सर्विसेज. इवन बिफोर 600 बीसी इंडिया हैड अ सिस्टम ऑफ द माइंटिंग अ मेटल मेटल कॉइन. सन 600 के साल में जो मेटल वाले कॉइंस थे वो इंडिया जो है सबसे ज्यादा बना दी. सी हैड अ वंडरफुल सिस्टम ऑफ द टाउन प्लानिंग एंड सीवेज. खास करके उस टाइम में जो है वो टाउन प्लानिंग एंड सीवेज स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम यूनिटी अमंग पीपल बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एग्रीकल्चर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वाज प्रॉस्पेरिटी. इस सब रीजन के कारण इसमें प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल रहा था. एविडेंस ऑफ दिस फाउंड एट अ लोथल. लोथल के लोथल में जो है वहां पर एविडेंस जो है देखने को मिला क्योंकि वहां पर कूड़ा और भी मिला, गटर फैसिलिटीज, ये सब कुछ फैसिलिटी बेस्ट अवेलेबल वहां पर मिली. फिफ्थ वन इज नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन एंगस मेडिसन India was extremely prosperity with a share of 25% of world wealth during the time of Maurya dynasty. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है अंगुश मेडिसन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में इंडिया जो है सबसे ज्यादा इकोनॉमिक सेक्टर जिसका था वो इंडिया था और वर्ल्ड की इनकम 25% थी और मौर्य राजा के टाइम में ये जो है बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट के ओरिएंटेड डिसीजंस भी लिए गए थे. ड्यूरिंग दिस टाइम मोस्ट रीजन ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ प्रेजेंट इंडिया वेंट अंडर द वन रूल्स. पहले के टाइम में मुगल का रूल जो है वो चलता था. तब 90% ऑफ वेल्थ ऑफ द साउथ एशियन रीजन हैज अ हाई टैक्सेस एक्साइज वेयर आल्सो जनरेटेड. यानी कि जब मुगल का काम चल रहा था तब एशिया में 90% जो शासन था वो मुगल का था और उसने बहुत सारी जगह पर एक्साइज ड्यूटीज भी डाल दी थी. ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ द औरंगजेब अराउंड 1700 एडी द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया वाज 10 करोड़ पाउंड. औरंगजेब के टाइम में ईस्वीसन 1700 के साल में नेशनल इनकम जो है वो 10 करोड़ पाउंड जितनी थी. तो इस तरीके से एंशिएंट एज वाज गोल्डन एज. प्राचीन जो समय था वो हमारा गोल्डन एज का टाइम था. हमारे पास इंडिया में सब कुछ था लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने सब कुछ हमसे लूट लिया. सो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे. तब तक टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ. थैंक यू सो मच. जय माता दी.